अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कल मेरी वीडियो नहीं आई, माजरत उसके लिए, कल मैं थोड़ा मसरूफ था। तो आज मैं वीडियो ले आया हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ले आया हूँ आपके लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपने क्राउम ब्राउजर ओपन कर लेना, अपना चैनल ओपन कर लेना है। तो चैनल ओपन करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और रेड कलर का बटन भी आ रहा होगा नीचे, सब्सक्राइब कर दे यार, भाई का चैनल है। उसके बाद आपने यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो आपके सामने आ रहा है, यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर लेना। तो यूट्यूब स्टूडियो पे जब आ जाएंगे, यूट्यूब स्टूडियो पे आ जाएंगे तो हमने एक वीडियो निकालेंगे ट्रिम करने के लिए। यूट्यूब स्टूडियो पे हम आ जाते हैं और एक वीडियो निकालते हैं जो हमने ट्रिम करनी है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करना। अगर कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आप वीडियो ट्रिम नहीं कर सकेंगे। तो ये हम वीडियो वाले सेक्शन में आ गए, सेकंड नंबर पे आपके सामने, ठीक है। वीडियोस वाले सेक्शन में आना, मैं आपको बता देता हूँ आपने आगे क्या करना है। यहाँ पे साइड पे बटन आ रहा होगा डिटेल्स का, इसके ऊपर आपने चले जाना है। मैंने निकाला हुआ यहाँ साइड पे, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं जी, थर्ड नंबर पे एडिटर का ऑप्शन आ रहा है आपने से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें और इसको ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको मेरी तरफ से अपडेट मिलती रहे। और अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को लाजमी। अपनी वीडियो का एडिटर ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, पीछे से आने वाली नॉइस को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि काम चाह रहा है थोड़ा सा, इस वजह से वॉइस आएगी, तो माजरत उसके लिए। तो चलिए हम वीडियो को बताते हैं। ये ट्रिम हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया था, ये देखें यहाँ से हम, ये देखें यहाँ पे आ रही है ब्लू लाइन, इसको हमने यहाँ से कर लिया ऐसे। और ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन है, इसको हमने यहाँ से काट लिया जी यहाँ से। तो ये तो हमने काट दिया जी पूरी वीडियो को साइड से ट्रिम, ये देख सकते हैं। और दरमियान वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ आप प्रीव्यू करेंगे तो ये सामने आएगा, ये देख सकते हैं आप। प्रीव्यू किया तो ये जो दरमियान वाला पार्ट है यही आ रहा है। तो अगर आपने अलग अलग से पार्ट करने हो, थोड़े थोड़े बीच में अगर पार्ट करने हो, तो वो ट्रिम करने का भी मैं आपको तरीका बता दूँ। तो आपने वापस एडिट ट्रिम में आ जाना है, एडिट ट्रिम पे आ जाना है आपने, और ये जो ब्लू लाइंस है इनको वापस शुरू में ले आना है, और इस ब्लू लाइन को भी एंड में ले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने काम करना है वो ये है कि ये जो आपको लाइन एक ब्लैक सी नजर आ रही है दरमियान में, इस लाइन को हमने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते ये आ गया जी, ये लाइन हमने जी तकरीबन कर लिया जी एक मिनट पर सिलेक्ट, ठीक है। आपके सामने नजर आ रहा होगा तकरीबन एक मिनट, ये आपने यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर लिया, स्प्लिट हो गई, एक और ब्लू लाइन आ गई। अभी यहाँ से लेके माने लीजिए कि मैंने यहाँ तक अपनी वीडियो ट्रिम करनी है थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। ये एक पार्ट हमने ट्रिम करना है और यहाँ पे भी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने जो जो पार्ट करना होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ से भी, जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है जी तीन मिनट, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी चार, इसको मैं यहाँ से काट करके कर लेता हूँ जी चार, चार कर लिए, चार मिनट 56 सेकंड नहीं करना हमने यहाँ पे, चार मिनट करना है पूरे यहाँ पे, हम कर लेते हैं जी 00। तो ये लाइन हमारी पूरे चार मिनट पे आ गया। अब फिर हमने स्प्लिट कर लेना है ये पार्ट, अगर आपने इसलिए यहाँ से लेके स्प्लिट करना हो तो यहाँ से हम फिर कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, जहाँ तक आपने स्प्लिट करनी है, यानी जहाँ तक आपने वीडियो ट्रिम करनी है। देखे मैंने ये पार्ट भी ट्रिम कर दिया है, देख सकते हैं ये पार्ट यहाँ तक ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया आपके सामने। और अगर आपने एक और पार्ट ट्रिम करना हो, जैसे मैं ये मान लीजिए कि आखिर में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 5 मिनट 45 सेकंड आप देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ से कर लिया जी स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद हमने वो उसी तरह करना है जी, इस लाइन को खींच के थोड़ा आगे कर लेना है, जहाँ तक आपने ट्रिम करनी है, बेशक एंड तक आपने करनी है, यहाँ तक कर लिया। तो ये देखे अब ये तीन हिस्से जो आप देख रहे हैं ना, जितने जितने सेकंड के बीच में आया, ये कट आउट हो जाएंगे आपकी वीडियो में से। आप लेकिन उसके बाद बताऊं क्या करना, ये इसे कट आउट हो गया, आपने यहाँ से प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना। ये देखे अब ये तीन हिस्से जो आपको नजर आए, कट आउट हो गया आपकी वीडियो से। अब ये आपको ऊपर सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने यहाँ से सिंपली सेव कर लेना। आप सेव करेंगे तो आपकी ये वीडियो सेव हो जाएगी, देख सकते हैं आप ये। ये देखे अब मैं इसको शुरू से प्ले कर लेता हूँ, 0 सेकंड पे ले आता हूँ। ये देखे यहाँ से मैंने प्ले की, या मैं यहाँ तक इसे थोड़ा आगे ले आता हूँ, ये यहाँ तक ले आता हूँ, इसको मैं थोड़ा और आगे इधर ले आता हूँ जी। ट्रिम वाला जो पार्ट है देखना, वो नहीं आएगा बीच में। ये मैं इधर से इसकी वॉइस बंद कर लेता हूँ। तो ये देखना अभी आप, ये ट्रिम वाले पार्ट के पास वो लाइन गई और जो बीच में पार्ट ट्रिम था वो स्किप हो गया, देखा आपके सामने। और इसके बाद अगर आप सेव कर देंगे तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। अभी तो मैंने वीडियो सेव नहीं करनी, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो दोस्तों, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव अप एक थम्स अप, और पीछे आने वाली जो वॉइस है उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन वर्क चाह रहे हैं आस पास। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई हो तो गिव अप एक थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।
सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, लाइक कमेंट शेयर करें। Hold me close till I